और फटाफट चलते हैं पहले इसे छोड़ने ऑफिस, ऑफिस नहीं स्कूल, और फिर ये देखिए गाइस, ये देखिए ये है मानु हमारी। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी। ये तैयार हुआ है बेसन का घोल, उसी के ऊपर उसने एक छोटी सी परफॉर्मेंस बनाई है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना ट्रेवलिंग पहाड़ी यूके, मेरा नाम है कुलदीप चंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो नए दिन की नई शुरुआत और एक नया ब्लॉग आप लोगों के सामने। हमारी बाथरूम सिंगर, ये तैयार हुआ है बेसन का घोल और आज सुबह के नाश्ते में बन रहा है बेसन का चीला। और सुबह सुबह हो गई है मंदिर में पूजा। और काफी टाइम बाद मैं वापस अपने प्लांट्स दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जिन्हें मैं रेंट के साथ ही मतलब नया रूम शिफ्ट किया था तो वहीं ले गया। मेरी बेटी हो रही है तैयार, आज हो गई है थोड़ा सा लेट पर रेडी, और फटाफट चलते हैं पहले इसे छोड़ने ऑफिस, ऑफिस नहीं स्कूल, और फिर वहां, अरे कहना क्या चाहते हो, और फिर वहां से चलते हैं अपने ऑफिस। फिर मिलते हैं आपसे, बने रहिएगा हमारे साथ इस ब्लॉग में। और अभी अभी हम आ गए हैं कहाँ, स्कूल से घर, और ये मानो का ड्रेस। खाने में सेफ ने बनाया आज आलू, सॉरी आलू कह रहा हूँ, रुको जरा सबर करो, एक है चावल और छोले की सब्जी, वाह लाजवाब। तो आने दीजिए प्लेट में, देखते हैं कैसा लगता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं आ गया हूँ थोड़ी देर के लिए लंच करने घर, मेरे साथ मेरी बेटी मानवी जिसे मैं अभी स्कूल से लेके आया हूँ। वापस स्कूल नहीं आना, स्कूल से लेके आया हूँ जिसे मैं। तो फटाफट इसकी ड्रेस उतारते और खाने को, खाने की प्लेट पर मिलता है सीधे आपसे। मानू चुप, ये देखिए सुंदर प्लेट एक छोले चावल की, मस्त। तो फटाफट करते हैं भोजन, फिर मिलते हैं आपसे वापस ऑफिस में। और आज ऑफिस में बंदरों का आतंक, अरे वहां झगड़ा हो रहा है उनका, वहां आगे। अच्छा छोटे वाले को पाल लो मैं तो। और हम आ गए हैं घर, ये चल रही है चाय की तैयारी, मेरे गिम्बल से हो रहा है ये शूट। ये देखिए कितना स्मूथ रोटेशन है इसका, इतना फोन हिल रहा है पर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। तो घर आके चाय बनने की होगी तैयारी, और मानो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइस ये है मानु हमारी, फोन के पीछे हो गई है दीवानी, दो रैप्टे लगेंगे फिर बन जाएगी सयानी। गजब बेइज्जती है। तो फटाफट बनने का इंतजार करते हैं चाय का। और मानु के लिए मानु के कंकल जी ने दिया है ओरियो बिस्किट, पर्क और टॉफी। तो ये है मानु के एक अंकल जिन्हें मानु नहीं जानती है पर उन्होंने दिया है, जिसे मैं लेके अभी अभी आया हूँ घर। और ये बैटरी है भैया पूरी तरह डिस्चार्ज, तो देखते हैं अगर चार्ज हो जाती है तो अच्छी बात है। आज बुलाते बुलाते भाई साहब आ ही गए घर पे, बिजली वाले भैया। अब ये बता रहे हैं कि भैया बैटरी है पूरी तरह डिस्चार्ज है।
है ना मोहित सर? हाँ जी। हाँ तो इसे एक बार चार्ज पे लगवा के देख लेते हैं। सर सारे स्विच चिपका रखा है और एक स्विच भैया ये टूटा हुआ है, एलपी से चिपका रखा था। और फाइनली ये जो झूलता हुआ बल्ब था जिसकी वजह से मैं अंदर का वीडियो बना ही नहीं रहा था, यहाँ शायद टंग जाए, बाकी मोहित सर अपना पूरा 100% देंगे। टंग जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए इसे लगाते हैं, लगा के दिखाते हैं आपको कैसा लग रहा है। लो भैया ये तो हो गया फाइनल, क्योंकि वहां पे तो अड़ नहीं रहा था, दीवार में से रेत ज्यादा निकल रहा है, तो ऊपर उसे थोड़ा सा हटा के लगा दिया। गोभी की सब्जी और साथ में थोड़े से छोले दोपहर वाले गरम और साथ में रोटियां। तो फटाफट करते हैं भोजन, अभी मिलते हैं आपसे थाली पे। मानू की एक छोटी सी परफॉर्मेंस, उससे हो रहा है बहुत ज्यादा मतलब बहुत परेशान करने वाला जुकाम, उसी के ऊपर उसने एक छोटी सी परफॉर्मेंस बनाई है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। रुके रहिए थोड़ा सा इंतजार और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी। बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था, भुट्टा खाने का मन था, छाता घर पे भूल गया, जोरदार फिर बारिश हुई, ठीक के मुझको सर्दी लगी, कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, हालत मेरी हो गई ऐसी अच्छी अच्छी। और ये लग गई है हमारी थाली, थाली में है पत्ता गोभी और फूल गोभी का मिक्सचर और ये साथ में छोले और इसके साथ है रोटियां, ये रख दी ममता जी ने। तो यही शेफ है हमारे घर की वैसे, और ये यूनिक सा एक फूड, थोड़ा सा अलग, क्योंकि पत्ता गोभी फूल गोभी मैंने तो कभी मिक्स देखा नहीं। जो आजकल जो बना लो, जो घर में वो बना लो। और मानवी जुखाम से परेशान, सुनुक 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 सुनुक। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक देखते रहिए ट्रेवलिंग पहाड़ी UK। लाइक करो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपना प्यार यूं ही हमें देते रहिए। धन्यवाद, भी देखते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे।